ऐसी भक्ति पिता और पुत्र दोनों मिलके देखो कैसे भगवान की, हाँ हाँ ठाकुर के देखो कितने प्रेम और स्नेह के साथ। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, बहुत ही सुंदर यात्रा है और इस यात्रा में हम लोग सब सम्मिलित हुए हैं। हर साल पूर्वजों के पूर्वज हमारे आते आए हैं और लगातार श्री कृष्ण जी की ढोल यात्रा निकलती है और ढोल यात्रा में बड़े पैमाने पे हमारे समाज के लोग इसमें भक्त सम्मिलित होते हैं बड़ी संख्या में। ढोल यात्रा निकाली लेकिन इस वर्ष कोविड-19 को देखते हुए बहुत कम स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। आखिर क्या है ये ढोल यात्रा, आखिर ये श्री कृष्ण जी की जो ये ढोल यात्रा है क्यों निकाला, बड़े भाई साहब से थोड़ा सुनेंगे। क्या है इससे तात्पर्य क्या है? भगवान कृष्ण का जो अवतार होना था आज मेरा दिन हो गया है। भगवान कृष्ण के रूप में मनाया जाता है। आखिर ये यात्रा जो निकाली जाती है ये यात्रा बरसात के दौरान निकाली जाती है, इससे और भी कुछ संबंध जुड़ा हुआ है? ये जलजूलनी एकादशी है जिसका महत्व रहता है। ग्राम स्तर पे मौल्य स्तर पे जहाँ पे भगवान चारभुजनाथ जी का मंदिर है वहाँ से भगवान वेवाण में बैठ कर और जल में झूलने के भाव से इनको लेकर आके स्नान होता है। क्योंकि श्रावण महीने के बाद जब हम संपादित होता है इसका अर्थ ये है कि जो भी ग्राम के तालाब आगे भर जाते हैं और एक उल्लास का माहौल बना रहता है और भगवान जल में आके झूलते हैं, जलजुलनी। तो ये जलजुलनी एकादशी के पावन अवसर पर ठाकुर जी की ये ढोल यात्रा निकाली जाती है और हर वर्ष हम इसी धर्म और इसी सितंबर महीने में जब बरसात जब चली जाती है और बरसात के अंत में हम निकालते हैं। लेकिन इस बार झीले खाली है, क्या भगवान से प्रार्थना की है? देखो ये जलजुलनी एकादशी पे ये जो व्यवहार निकालते हैं इसका महत्व तो ये है भगवान जन्माष्टमी को जन्मे थे और जन्मे के बाद में उनकी जन्मा पूजन की जाती है। देखो बच्चा
आज भी जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद में उसकी जल में पूजन की जाती है कुएं पे आदि पे, तो यहाँ सरोवर पे उसकी पूजन की जाती है और पूजन करके आज भगवान के मतलब उसमें जल में पूजन की जा रही है। जल में पूजन के उद्देश्य यह बेमन निकल जाते हैं, फिर ये हमारी मान्यता ये हो जाती है कि हम ये जल संरक्षण बना रहे हैं और पर्यावरण भी बना रहे हैं। उस दृष्टि से हम सभी मिलकर के प्रार्थना करते हैं आनंद हो, सभी प्रकार की सुविधाएं हो, सभी प्रकार की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं हो, ऐसे भावना के साथ में हम सामूहिक रूप से ये व्यवहार को निकालते हैं और सदापूर्वक। एक समय था युवाओं की भागीदारी कम थी, लेकिन अब युवाओं की भागीदारी बड़ी है। चार बजे रात का आशीर्वाद है सर। आखिर युवा कैसे धर्म की तरफ आ रहे हैं? चरणों में ये बहुत बड़ा विषय है कि युवा धर्म के प्रति अब ज्यादा जागरूक हुए हैं। अब युवा पहले बुजुर्ग आते थे इसमें, लेकिन आज युवाओं की भागीदारी हो रही है, क्या सोचते हैं आप? दो तरह की बात होता है इसमें। बुजुर्ग आते हैं, पहले बुजुर्ग आते थे उनका संरक्षण भी रहता था, पहले खान पान वगैरह भी ठीक था, उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहता था। और आज के जो बुजुर्ग हैं तो खान पान की दृष्टि से उनका स्वास्थ्य लगभग ठीक नहीं रहने के कारण से, हालांकि उनका मार्गदर्शन रहता है, लेकिन उनके मार्गदर्शन के साथ में हम काम करते हैं और उनके चलते हैं। बुजुर्गों के निर्देश में हम सारी ये योजना बनाते हैं, उसके आधार पर चलते हैं। बुजुर्गों का हमारे मार्गदर्शन पूरा पूरा ही है। कैसे किस तरह से जो है सुंदर कार्यक्रम कटे ढोल समंद की नौ चौकी पाल से आपने देखे सुंदर सुंदर दृश्य। अब जाते हुए भक्त देखो, कोई कार में आया है तो कोई बाइक पे आया है तो कोई पैदल आया है, हर कोई कृष्ण को देखना चाहता है, हर कोई दर्शन करना चाहता है। देखिए हमारे धर्म गुरु भी देखो इस कार्यक्रम में भाग लिया। जय सांवरिया सेठ की। ये देखिए आप यहाँ के चेहरे देखिए, यहाँ की आप हिंदू धर्म के भक्तों की भक्ति देखिए किस प्रकार से कुछ रंगों में रंगे हुए हैं, सब प्रभु भक्ति में रंगे हुए हैं। और ये देखिए हमारे क्षत्रिय और समाज के सभी भक्त अब घर की ओर प्रस्थान करेंगे। फिर मिलेंगे, आते रहना, ठाकुर जी का प्रचार खूब करना है ना, कोई बात नहीं, हिम्मत नहीं हारेंगे। गाँव कसो बिनोल गुरु जी जानते हाँ आएंगे सदागढ़। तो गुरु जी काफ़ी चीज़ हम सीख रहे हैं, अभी भी सीखने की उम्र तो इतनी है, जिंदगी भर तक सीखना चाहिए। मैं तो कहता हूँ जन्म से लेकर एंड तक सीखना चाहिए, सीखने की उम्र नहीं होती है। और अपने आप को परिवर्तन को स्वीकार करना जरूरी है, समय जिसे बदलना पड़ेगा। जिसे नजरें ढूंढ रही थी वो मिल गई आज, जिनकी नजरें ढूंढ रही थी कि गुरुदेव कहाँ मिलेंगे, फ़ोन किया, फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, ढूंढते सांवरिया सेठ के पास चला गया। और सांवरिया सेठ के दरबार में हमारे रामेश्वर जी माली पूर्व पार्षद नगर परिषद, तो बहुत ही अच्छी बात है कि नगर परिषद राजसमंद देव नगरी के हमारे आदरणीय गुरुदेव रामेश्वर जी का हमारे चैनल पर यूट्यूब पर स्वागत अभिनंदन है। बहुत ही अलग समय में हमने इतने कोविड-19 के बाद ये जल जुलनी एकादशी मनाई है सबने हर्षोल्लास के उल्लास के साथ। गुरुदेव फिर भी अच्छा रहा कार्यक्रम, कैसा रहा? बढ़िया रहा, अच्छा रहा, पब्लिक बढ़िया ही आत्मा से आए लोग और तबीयत पान राजी है। हाँ खाना वाना बनायो? बिल्कुल, खीर बनाई हमने और साबूदाना की खीर बनाई और अच्छी समाज के लोगों को मान सम्मान करने का मौका मिला।
आप जैसे आपको मैंने फ़ोन किया था लेकिन आपका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। रामधुन बेटी ही। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पूर्व पार्षद जी, हमारे आदरणीय रामेश्वर जी जिनसे हम बात कर रहे थे। यूट्यूब चैनल पे हमारे आदरणीय गुरुदेव के लिए लाइक करें। ये हमारे जब और समाज का जब पहला सम्मेलन हुआ था 2014 में, तब हमारे गुरुदेव ने ही सबसे पहले सारे हमारे जितने भी दर्शनार्थी आए थे, भगवान श्री चार बुजार के भक्त आए थे, माताएं बहनें सभी को आपने, मैं कैसे भूल सकता हूँ, भोजन पानी हर एक व्यवस्था आपने की थी उस समय। जब भी हमारे गुरुदेव कहीं मिले तो इनका आदर करें, इनको मान सम्मान प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, जय ठाकुर जी की। और पीछे आप देखें अभी तक रैली नहीं, रैला आ रहा है धीरे धीरे, क्योंकि पुलिस का जाब्ता बड़ा तेज है यहाँ पे, और लगातार कोविड को देखते हुए लगातार प्रशासन ने बहुत ही सख्ती यहाँ पे बना रखी है पुलिस की। ठाकुर जी समय यहाँ पे तो हाईकोर्ट का आदेश ही नहीं, तो सही सही। तो ये देखिए आप श्री कृष्ण जी की डोल यात्रा राजसमंद की इस देवनगरी से निकलते हुए जलजुलनी एकादशी के पावन अवसर पर बहुत ही सुंदर करते। बोलो कैसे भक्त रंगे हुए हैं रंगों में।